नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। बीकी न्यूज कन्नौज। पत्नी की हत्या के जुर्म में सजायाफ्ता 15,000 रुपए के नामी अपराधी को गिरफ्तार, भेजा जेल। छिबरामऊ कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री केशव चंद्र गोस्वामी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी श्री शेषमणि उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में वंचित इनामी अपराधी पीड़ितों के विरुद्ध तलाश में गिरफ्तारी हुए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सजायाफ्ता व लंबे समय से फरार चल रहे इनामी अपराधी श्याम सिंह पुत्र पहुंची लाल निवासी ग्राम नगला आम थाना कोतवाली छिबरामऊ जनपद कन्नौज को आज नमीन मंडी के सामने जीटी रोड पर गिरफ्तार किया गया। कन्नौज से ब्यूरो चीफ ज्ञानेन्द्र दुबे की रिपोर्ट। अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो पूर्व से 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की गई थी, जिनको थाना छिबरामऊ की पुलिस टीम द्वारा आज गिरफ्तार किया गया। इन्होंने पत्नी की हत्या वर्ष 2005 में की थी। वर्ष 2005 में एक दहेज हत्या का मुकदमा थाना छिबरामऊ में अंकित किया गया था। आरोपी थे श्याम सिंह, श्याम सिंह पुत्र पहुंची लाल, जिनको माननीय न्यायालय द्वारा अभियोग में 10 वर्ष की सजा मुकर्र की गई। सजा के दौरान इनके द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई और अपील के पश्चात ये जेल से छूटे, पुनः इनकी अपील खारिज हुई। तब से ये लंबे समय से फरार चल रहे थे। उच्च न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। काफी प्रयास के बावजूद इनको आज दिनांक को नवीन मंडी स्थल से गिरफ्तार किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पूर्व से 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की गई थी, जिनको थाना छिबरामऊ की पुलिस टीम द्वारा आज गिरफ्तार किया गया।